सोलन में रेडियो हिल द्वारा 7 दिन चले कार्यशाला का समापन किया गया। समारोह समापन में खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। संस्थान द्वारा आयोजित ये कार्यशाला बेहद विशेष थी, क्योंकि इस कार्यशाला में युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति से दूर रखा गया। उन्होंने हिमाचल की संस्कृति और लोक गीतों की जानकारी उपलब्ध करवाएगी। उन्हें हिमाचली वाद्य यंत्रों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यशाला में हिस्सा लेकर अपना ज्ञान वर्धन किया। मुख्य अतिथि ने युवाओं को बताया कि हिमाचली संस्कृति आजकल लुप्त होती जा रही है, जिसे संजोना आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान वे यहाँ से अर्जित कर रहे हैं, वे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम गुलेरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि आयोजकों द्वारा हिमाचल की संस्कृति को बचाने और उसकी जानकारी युवाओं को देने के उद्देश्य से आयोजित ये कार्यशाला अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बसियत में क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विरासत में हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं, ये अधिक महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि आयोजक युवाओं सरगम कला मंच के माध्यम से वाद्य यंत्रों वैदिक तालों की अनमोल जानकारी दे रहे हैं, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। वसीयत में क्या मिला है ये मायने नहीं रखता, हम विरासत में क्या दे के जा रहे हैं यही महत्वपूर्ण रहता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे हिमाचल की शान जियालाल जी को, जिन्होंने हिमाचल का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। और हिमाचल कला मंच की तरफ से यहाँ पर जो 7 दिवसीय बच्चों के छोटे छोटे बच्चों का ट्रेडिशनल जो हमारे कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उनसे संबंधित यहाँ पर जो कार्यक्रम और उसमें बच्चों की भागीदारी बहुत ही अनूठा और बहुत ही ज़रूरी आपने ये क्षेत्र चुना है। और मैं एक बात के लिए और आभारी हूँ जियालाल जी का कि इन्होंने कम से कम अपनी कला को एक जिसको मैं कह सकता हूँ कि बिकने नहीं दिया, इन्होंने संजो के रखा है और अपने अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को इन नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से हजारों हजार फॉलोअर जो इनके हैं उनके माध्यम से आप देना चाहते हैं। आपकी बात मैंने कई बार सुनी है, आपके अंदर जो एक सनातन संस्कृति की वैदिक संस्कृति की जो जिसका ह्रास हुआ है उसकी जो पीड़ा झलकती है, मैं कह सकता हूँ कि आप जैसे यदि कुछ और लोग हिमाचल में या भारतवर्ष में पैदा हों तो हमारी जो पुरातन संस्कृति है जिसके बल पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम गूंजा है रहा है, तो हम उस स्थान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं दीपिका जी को भी और इनकी सारी टीम को भी। वहीं आयोजकों ने कहा कि वे समय-समय पर इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करते आ रहे हैं ताकि युवा केवल पाश्चात्य संस्कृति में ही ना खो जाएं। उन्होंने अपनी संस्कृति जो बेहद अनमोल है उनकी जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए ताकि वे भी उसे संजोने में समाज का सहयोग दे सके। हम लोगों ने ये 7 डेज की वर्कशॉप रखी थी जिसमें जियालाल ठाकुर जी है जो जिन्हें सब जानते हैं। वैसे हम लोगों ने 7 डेज की वर्कशॉप हिमाचली फोक म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स को लेके ये वर्कशॉप करवाई है इसमें, क्योंकि हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्या है। सब बच्चे ये सोचते हैं कि गिटार पियानो इन्हीं से ही म्यूजिक जो है बच्चा सीख सकता है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा हिमाचली फोक म्यूजिक भी है अगर आप लोग सुनेंगे इस वर्कशॉप के थ्रू तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है इस वर्कशॉप से। एज सच हम लोगों ने म्यूज़िक हिमाचली फोक को कभी भी एज सच नहीं करवाया हमने वर्कशॉप, बट हम लोगों ने रैप साइफर इस तरह के हम लोगों ने काफ़ी इवेंट्स करवाए हैं, बट इस हिमाचली फोक में हमारा फर्स्ट था। उद्देश्य क्या है इस? हम चाहते हैं कि बच्चा हिमाचली ट्रेडिशन और म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट दिखाए अपना, क्योंकि आने वाला जो टाइम है हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है जो हमारा ट्रेडिशन है। जी मेरा नाम सौरभ है, मैं टीम रेडियो हिल से हूँ और हम लोगों ने अभी एक 6 दिन की वर्कशॉप करवाई थी और ये थी ऊपर हिमाचल फोक म्यूज़िक के ऊपर, और इसे कंडक्ट करवाया था श्री जियालाल ठाकुर जी ने जो कि एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है हिमाचल के और इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं हिमाचल म्यूज़िक के ऊपर। तो उसी के तहत एक पहल है जिसमें हम चाहते हैं कि जो आजकल की युवा जनरेशन है उन्हें हिमाचल म्यूज़िक के बारे में पता चले।